बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू केंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड टू का चैप्टर 3 देखेंगे। इस चैप्टर के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक, आपका समर पैक और रिसोर्स पैक। रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है। आपको हमारा समर पैक और रिसोर्स पैक केंटर की वेबसाइट से ईजिली मिल जाएगा। हमारा चैप्टर है आवर फ्लैग। हमने अपने चैप्टर के तमाम SLOs अपने पिछले लेक्चर्स में अचीव किए। हमने SLOs को लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के थ्रू अचीव किया। आज हम इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज को राइटिंग के स्किल के थ्रू अचीव करेंगे। तो अपनी टेक्स्ट बुक, अपनी वर्कबुक और अपना समर पैक अपने सामने रखें और बाकी तमाम एक्सरसाइज को कम्प्लीट करें। आपका पहला होमवर्क आपकी टेक्स्ट बुक से है। क्वेश्चन बी, मैच द कॉलम्स। यहाँ पे आपको कॉलम ए में पाकिस्तान के झंडे के बारे में और पाकिस्तान के कुछ इवेंट्स के बारे में दिया गया है, और साथ में वो इवेंट्स किन डेट्स पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो कॉलम बी में आपके पास इसका आंसर है। आपने कॉलम ए से वर्ड्स देखने हैं और उनको कॉलम बी से इवेंट्स की डेट के साथ मैच करना है। सो हेयर इट इज़ फ्लैग, इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान डे एंड कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह डे। ये हैं आपके पास कुछ दिन जो पाकिस्तान में हर साल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और यहाँ सामने आपके पास डेट्स हैं। जो भी डे जिस डेट पर मनाया जाता है, वो आप उसको उस कॉलम के साथ मैच करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। नेक्स्ट होमवर्क भी आपकी टेक्स्ट बुक से है, फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट ब्लैंक इज द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान हैज डैश कलर्स। पाकिस्तान के झंडे में कितने कलर्स हैं, यहाँ आप अपनी ब्लैंक में इसको फिल करके इसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट इज द ग्रीन कलर इन द फ्लैग रिप्रेजेंट्स द, व्हाट द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स इन पाकिस्तान, राइट इट हेयर। देन द डैश इन द फ्लैग शोज द नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम्स। पाकिस्तान में रहने वाले नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल या कौन सा कलर यूज़ किया जाता है हमारे फ्लैग में, यहाँ आप बताएं। एंड द लास्ट इज द क्रिसेंट एंड द स्टार इन द फ्लैग शोज डैश एंड डैश। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज, व्हाट डज द नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स। यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस बतानी है कि नेशनल फ्लैग क्या रिप्रेजेंट करता है या नेशनल फ्लैग की क्या इम्पोर्टेंस है। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द नेशनल फ्लैग। आपकी कंट्री के नेशनल फ्लैग में कितने कलर्स हैं। व्हाट डज द कलर ऑफ द फ्लैग रिप्रेजेंट्स। व्हाट डू द क्रिसेंट एंड द स्टार ऑन द फ्लैग रिप्रेजेंट्स। And the last is, write any one occasion on which the flag of Pakistan is hoisted. ये तमाम सवालात के जवाब आप अपनी नोटबुक में लिखें और अपने टीचर को सबमिट करवाएं। अगला होमवर्क आपकी वर्कबुक से है। Which of the following pictures specifications belongs to Pakistan also give reasons. यहाँ पे आपको चार पिक्चर्स दी गई हैं, ये चारों ही पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी पिक्चर है जिसको देखते साथ ही आपके फॉरेन माइंड में ये क्लिक हो रहा है कि ये पाकिस्तान से ही बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आप उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करें और उसकी आइडेंटिफिकेशन की रीज़न को भी साथ में लिखें। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी वर्कबुक पे, इनको आप अपनी वर्कबुक में ही सॉल्व करें। क्वेश्चन 3 है, व्हाई डज एवरी कंट्री नीड अ फ्लैग। हमने पहले लेक्चर में सीखा कि किसी भी मुल्क को फ्लैग की ज़रूरत क्यों होती है, उसकी क्या वजह है कि उसको फ्लैग किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी है। यहाँ आप अपनी रीज़न लिखें। देन व्हेन इज़ द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान इज़ हॉइस्टेड। किसी भी एक ओकेजन, द दो ओकेजन्स आप बताएं जब पाकिस्तान के झंडे को लहराया जाता है ऑफिशियली। हु नेम द कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम किसने रखा। एंड हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये आप अपनी वर्कबुक में लिखें। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आपके समर पैक पर हैं, इनको भी आपने अपने समर पैक पर ही सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय नेशनल फ्लैग, कौमी झंडे से क्या मुराद है। व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ फ्लैग एंड व्हाई वी रिस्पेक्ट आवर फ्लैग। थैंक यू सो मच। अपना होमवर्क, अपनी टेक्स्ट बुक का होमवर्क अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करें, उसके अलावा अपना वर्कबुक का और समर पैक का होमवर्क उन्हीं पर कंप्लीट करके अपने स्कूल टीचर को सबमिट करवाएं। आपका ये आज चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।